इतने कम प्राइस में लोनावला में आई डोंट थिंक आपको इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये बीच में ना सबके प्राइवेट पूल्स दिए हुए अलग 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 अलग। वो सामने ट्रेन जा रही है ये इधर, बट जब बारिश होता है देखा बच गया। हमारा लेफ्ट आ चुका है और हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं लेफ्ट, और यहाँ से सीधा आएगा लोनावला। तो हमारा खाना आ चुका है, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं एंड जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी। और हमारे इनीत बाजी केक एंजॉय करते हुए स्विमिंग पूल के अंदर। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आप लोगों ने कैप्शन पढ़ लिया होगा, आज का व्लॉग बहुत डिफरेंट है, इट्स अ स्टेकेशन व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं लोनावला, मेरे साथ कौन कौन जा रहा है आपको आगे दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो सो सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है ना। इफ़ यू वांट टू एंजॉय सम अमेजिंग वीकेंड स्पॉट्स, तो आज मैं आपको ऐसी जगह में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर एकदम पॉकेट फ्रेंडली रेट्स है एंड बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। तो चलिए लेट्स बिगिन। हमारे साथ जा रहा है इनीत सिंह अरोरा, अर्गुन सिंह गुज्जर और हमारे प्रिय भ्राता श्री अर्जुन सिंह राजपूत। Finally, we are entering Pune Expressway. यहाँ से आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को आधा या एक घंटा लगेगा, वहाँ पर पहुँचेंगे। अभी करंटली हम लोग ने जैसे एक्सप्रेस वे एंटर किया है, यहाँ पर तो बहुत कड़क धूप है, अब वहाँ जाके देखते धूप मिलने वाली कि नहीं। अर्गुन आउट हो चुका है, अच्छा इनीत आउट नहीं हुआ है, मुझे लगा इनीत मिस हो गया है, तो वहाँ जाके धमाल करने वाले हैं। चलो कब पहुंचेंगे, पहुंचेंगे कब? ये वाले लेन में ना हमेशा ट्रैफिक होती है, पता नहीं क्यों। और देखो एक पुलिस वाला भी खड़ा है लेफ्ट जा रहा है, ट्रक ट्रक वालों को बोल रहा है कि भाई तुम लेफ्ट जाओ और यहाँ से सीधा जाना, और यहाँ से खाली 19 मिनट हो रहे हैं। वो देखो पहला पहला वाटर कॉलेज सीजन का दिख रहा है एग्जैक्टली वहाँ पर। एंड फाइनली बारिश का मौसम हो गया है, आई होप हम लोग के पहुँचने तक बारिश चालू हो जाए। पहुँचते ही हम लोग सीधा स्विमिंग पूल में डुबकी मारने वाले हैं। हमारा लेफ्ट आ चुका है और हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं लेफ्ट, और यहाँ से सीधा आएगा लोनावला। तो भाई ये है पुणे विलेज, हम लोग एंटर कर चुके हैं पुणे गांव एंड प्रॉपर्टी का नाम है 24 पुणे। सो प्रॉपर्टी में मैं पहुँच चुका हूँ एंड मैं डायरेक्टली आया हूँ टेरिस पे टू शो यू दिस अमेजिंग व्यू। वो देखो जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग व्यू, पूरा यहाँ पे बारिश के टाइम में क्या फॉग होगा, वो सामने क्या दिख रहा है यार, अमेजिंग दिख रहा है। पूरे बादलों के अंदर से धूप नीचे गिर रही है, यहाँ भी सेम व्यू है। तो हमारा खाना आ चुका है, क्या क्या आया है अभी इनीत बताएगा, चलो निकालो। कुछ हम लोग ने वेज मंगाया है, थोड़ा बहुत नॉन वेज मंगाया है, और ये एक्चुअल में रिजॉर्ट के थ्रू ही आया है, मतलब इनके पहचान का किचन है। अगर आप यहाँ से भी ऑर्डर करो तो आपको खाना मिल जाता है। इनीत के लिए वेज आ गया है, ये चिकन 65, चिकन चिली ड्राई, और एक कबाब मंगाया था हमने। भाई साहब और कुछ मंगाओ ना मंगाओ, बटर चिकन ज़रूर मंगाना, याद करोगे, ज़बरदस्त। ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं एंड जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी, मज़ा आ गया। और सीरियसली एकदम बजट फ्रेंडली है, एक्सट्रीमली बजट फ्रेंडली, मतलब आप अगर बॉयज़ गैंग हो ना, बॉयज़ गैंग बोल लो, गर्ल्स गैंग बोल लो, दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस।
यहाँ पे 8 विला जुड़े हुए हैं, मतलब इट्स लाइक इन अ रेडियस, और बीचों बीच सबके लिए प्राइवेट पूल है। अभी अंदर जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल मैं आपको नाइट व्यू दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखाऊंगा। तो यहाँ से पूरा ये लोग का हरगुन भी मज़े ले रहा है, यहाँ से पूरा पैसेज है वहाँ तक ग्रीनरी वाला, यहाँ से भी सेम है। ये एक विला है और हम लोग यहाँ रुके हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऊपर एक रूम है, नीचे दो रूम है एंड नीचे ये हॉल है। तो यहाँ से पूरा पैसेज है हमारा वाला, ये वाला है एंड इसके बाद ये सेकंड वाला है, सेम है ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो पहले माले पे दो रूम है एंड थर्ड फ्लोर पे एक रूम है, मास्टर बेडरूम टाइप से। यहाँ का ना सुबह व्यू दिखाऊंगा, रात में यू कैन सिट आउटसाइड, मस्त बाहर आप एंजॉय कर सकते हो, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। सो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा टेरेस है, सुबह मैं टेरेस पे जाऊँगा। एंड यहाँ पे ना बहुत ख़तरनाक व्यू दिखेगा, पूरा जंगल टाइप है ये, आई डोंट नो एग्जैक्टली आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्रिकेट्स की आवाज़ आ रही है, मतलब अलग ही लेवल का मज़ा है यार। दिन में जब बारिश गिरेगी ना, पूरा फॉगी क्लाइमेट। सो किसी की ना बैचलरेट चालू है एंड ये सेकंड वो साइड का एरिया है, वहाँ से सब घूम के अगर आप आओगे तो रेडियस में अपने यहाँ पे पहुँच जाओगे। और कैसा लग रहा है फिर नीत? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अगर बारिश होएगी ना, बारिश में अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। सुबह टेरेस पे जाके ना, टेरेस पे जाके अपन सामने का व्यू देखेंगे, खतरनाक वाला व्यू है पूरा, मतलब आई थिंक खपोली साइड दिखता है, ये साइड में पूरा खपोली साइड दिखेगा। एंड जब फॉग होगा ना, अलग ही मज़ा आएगा। प्रॉपर्टी जो है ना अमेजिंग है, बेसिक प्रॉपर्टी है, ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, बट खाना अमेजिंग था, क्या बोलता है? ऑब्वियसली बहुत बहुत मज़ा आया। हाँ, मतलब इनीत वेजिटेरियन है एंड मैं, हमने थोड़ा नॉनवेज भी ऑर्डर किया, थोड़ा वेज ऑर्डर किया, वेज में हमने पनीर वाली डिशेस ऑर्डर की, चाइनीज़ स्टार्टर्स ऑर्डर किए, अमेजिंग थे यार सीरियसली। एंड मेन कोर्स में भी क्या खाया था इनीत ने? पनीर टिक्का मसाला खाया, अमेजिंग था। रोटीज़ अच्छी थी, मतलब इन शॉर्ट क्वालिटी अच्छी थी खाने की, मतलब अगर आप आओगे ना तो यू वोंट रिग्रेट, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है, खाना भी अच्छा है, स्पॉट अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, मतलब इतनी प्रीमियम नहीं है, वापस बोल रहा हूँ, बट बेसिक है। इफ़ यू आर अ बॉय गैंग गर्ल गैंग, मतलब अगर आप आओगे ना फुल एंजॉय कर सकते हो आप इतने कम प्राइस में, लोनावला में आई डोंट थिंक आपको इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। और हमारे इनीत बाजी केक एंजॉय करते हुए स्विमिंग पूल के अंदर, भाई मज़ा आ रहा है। और ये स्पेशल केक आया और पूल ऑलमोस्ट फिल्टर हो चुका है, ये वाला हमने छेड़ा नहीं है क्योंकि वो ना काफ़ी बड़ा है और एकदम बाजू में है, तो हम लोग इधर ही मस्त घुसने वाले हैं। ये मज़े चालू स्विमिंग पूल में एंड ये बहुत मस्त जुगाड़ लगा है, पानी क्लीन भी हो रहा है, फिल्टर भी हो रहा है, जो भी हो रहा है पता नहीं, बट पानी से साफ ज़रूर हो रहा है। ये यहाँ का एरिया है, वॉशरूम है आपको यहाँ पर, पूल देख लिया आपने, इसके बाद अपन ऊपर जाएंगे, ऊपर के रूम दिखाता हूँ आपको। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है day 2, मैं उठ गया हूँ और नहा धो के मस्त रेडी हो गया हूँ एंड मैं टेरेस पे आ गया हूँ, यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। द ओनली थिंग आई डोंट लाइक इज नार क्लाइमेट, मतलब बारिश एक्सपेक्ट की थी बट बारिश हुई नहीं। सो ये है वो स्पॉट, ये है वो अमेजिंग व्यू, यहाँ पर जब बारिश होगी ना क्या फॉग होगा, क्या ही इसका स्काईलाइन होगा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। तो ये एरिया जो दिख रहा है ना, दिस इज खपोली एंड पब्लिक नीचे फुल एंजॉय कर लिए, इसको मत देखो, उसको भी मत देखो, तो अंदर पूरा जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अमेजिंग जगह है, वहाँ से पूरा आपको व्यू दिखेगा नीचे माउंटेन का। सो काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली जगह है, अगेन आई एम टेलिंग दिस के बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी नहीं है बट बहुत अमेजिंग है, साफ सुथरी है एंड सर्विस थोड़ी सी स्लो है बिकॉज रिसेंटली चालू हुआ है, तो आप बाकी सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो ये बीच में ना सबके प्राइवेट पूल्स दिए हुए अलग 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 अलग, वो वाला पूल देखो कितना साफ है क्योंकि वहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ चालू था। अब हम लोग यहाँ रुके हैं, ये थोड़ा बहुत कल साफ हुआ बट ज़्यादा नहीं हो पाया, तो जो प्रॉपर दिया हुआ है अलग अलग सबको प्राइवेट एरिया दिया हुआ है, वहाँ का वहाँ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने आप लोग को रूम नहीं दिखाया, मैं रूम भी पहले दिखा देता हूँ, हम लोग सो चुके थे रात को तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं। ये सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर का ये वॉशरूम है एंड ये हमारा रूम है, तो यहाँ पर इजीली 5 से 7 लोग आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5
अगर आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए तो आप दो रख सकते हो। और ना एक और इशू है, दैट इज मस्कीटोस, बिकॉज बाजू में ना कंस्ट्रक्शन चालू है, तो कंस्ट्रक्शन चालू होने की वजह से ना यार मच्छर बहुत है, सामने भी चालू है वहाँ भी चालू है, ये दोनों भी आप देख ही रहे हो। सो सेम टाइप के रूम्स है ना, नीचे भी है, मतलब दिस इज द सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे आपको छोटा रूम मिलेगा जिसमें एक डबल बेड है, ये पीछे वाला एरिया नहीं है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम, तो इसमें भी दो जन प्लस एक तीन, सेम बालकनी व्यू। यहाँ पे एक वॉशरूम, रूम के अंदर एक वॉशरूम एंड सेम ये एक रूम। तो यहाँ पे मोस्टली तीन जन आ सकते हैं, तीन या छः एंड ऊपर भी समझो छः या सात। एंड ये नीचे आ गया हमारा हॉल। फाइनली नाश्ता आ गया, फुल देसी स्टाइल का मिस्टर खाने वाले अपन। क्या बात है, ये देखो फुल मटकी और पाव भी लेगा। चलो भाई यहीं पे बना हुआ मिसल टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। मजा आ गया, मस्त मिसल था। कैसा लगा तुम लोग को मिसल? एकदम प्योरली घर का बना हुआ, जो केयरटेकर है उसने बनाया, मजा आ गया। चलो अब निकलते फटाफट खाओ। जी जी विनीत फुल रेडी हो गया है, हम भी रेडी हो गए, अभी निकलते अपन। एक बार मैं वापस पीछे घुमा देता हूँ। मज़ेदार प्रॉपर्टी यार, मतलब आई वुड से एक बार ट्राई करने लायक बनता है। तो अभी तक सोचा नहीं था कि मैं आगे जाऊँगा, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी, तो चल के देख ही लेते हैं, समझो अपने घर से चेंबूर कैंप या फिर चेंबूर नाका जितना वॉक हो जाएगा। ठीक है देखते हैं। ये देखो यहाँ से दिख रही है ये प्रॉपर्टी। इनित कितना वजन कम होगा? तो हरगुन ने लोग बोल रहे हैं यहाँ जाओ, देखते थोड़ी मेहनत लगेगी और क्या। एक तो मैंने शूज नहीं पहने, चप्पल पहनी है, तो ये एक ड्रॉबैक होने वाला है। लड़के को देखो हमारे बोलता है यार कर्म यार नीचे तो उतरना पड़ेगा, फिर यहाँ से वहां चढ़ना पड़ेगा, फिर वहां से ऐसे वापस चढ़ना पड़ेगा। देख शूज पहन के आया तू, थोड़े हमारा वजन कम हो जाएगा, टेंशन मत ले, चल आ जा। ओ भाई साहब फुल हाई इंटेंसिटी वाला गाड़ी हो गया। अरे वहाँ पे ट्रेन खड़ी है, दिख रही है? ये वो पिक्चर वाला लग रहा है, नो एंट्री पिक्चर का था ना जो अटक गया था सलमान खान। क्या सेक्सी व्यू है। रस्सी ले क्या भाई, गिर गया तो पकड़ लेना कितना वजन कम हुआ? 3 किलो बोलता है। सो वो है अपनी प्रॉपर्टी, वहाँ के ऊपर के टॉप के टेरेस से मैंने आपको ये व्यू दिखाया था, जबरदस्त व्यू है नहीं? यस। ओ सामने ट्रेन जा रही है, ये इधर ये ऐसा जाएगी, ऐसा 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 ऐसा, ये इधर और इधर टनल भी दिख रहे हैं, ये एक ब्रिज दिख रहा है, ये सामने टनल दिख रहा है, इधर 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 मस्त लग रहा है यार। और बारिश में ना बहुत मजा आएगा यही स्पॉट पे, यहीं पे बैठ के मतलब बारबेक्यू लेके आओ ये मत लेना, और अगर ला रहे हो तो वापस लेके जाना, छोड़ के मत जाना। फिलहाल इसको हम लोग उठा के ले जाते हैं, थोड़ा ऊपर चले गए वहाँ पर, नहीं यहाँ से बहुत अच्छा है। थक गया लड़का हमारा, अरे थकना मुझे चाहिए, बट अच्छी जगह एनी वेज। मतलब अच्छी जगह लगी मुझे है ना। और दूसरी चीज ये अच्छी है ना, जब बारिश होगी ना अमेजिंग फॉग होगा यही स्पॉट पे ना, अभी यहाँ से उतरने के बाद ना ऊपर चढ़ना है ना। यस चढ़ लेगा ना अपने आप, और क्या, ये हाथ पकड़ू यहाँ से ऑटो कर लेंगे।
इतना भी दूर नहीं है, कल अर्जुन और ये लोग आए थे, अर्जुन बोल रहे थे 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर कितना बोल रहे थे, 500 मीटर भी नहीं होगा। हाँ बट थोड़ा ऐसे अप एंड डाउन है, ठीक है उतना चलता है, लेकिन किलोमीटर वाइज मैच नहीं हो रहा। और शूज पहन के आना, मैंने चप्पल पहनी है, इन्हीं इतने फिर भी शूज पहने हैं। अभी तो फिलहाल बारिश इतनी हुई नहीं है, बट जब बारिश हो जाए, देखो बच गया, तो जब बारिश हो जाएगी, अभी सूखी मिट्टी है, स्लिप हो गया था लेकिन कंट्रोल हो गया, तो जब बारिश में आओगे ना स्लिपरी रहेगा, तो जैसे मैंने कंट्रोल कर लिया कर नहीं पाओगे, घिर जाओगे। मैंने चप्पल भी डाली है तो शूज पहन के आना, ज़्यादा बचाव हो जाएगा। अच्छी हवा आ रही है, सोचा था कि आएंगे जाएंगे, काफ़ी कैलोरी बर्न होगी, वो तो हो गई, बट जाके अभी इनटेक भी करने वाले हैं ना, तो बोलते हैं प्रॉपर्टी को बाय बाय और चलते हैं वापस ऊपर जहाँ से हम आए थे। तो गेम हो गई है हमारी ख़त्म, आई मीन हम लोग निकल चुके हैं, मिसल खा के बहुत मज़ा आया, अभी मेरा टर्न है गाड़ी चलाने का, आगे देखते कुछ अगर समझ आया तो मैं दिखाता हूँ, नहीं तो फिर मिलेंगे अगली बार इन अ डिफरेंट लोकेशन विथ अनदर स्टेकेशन व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी अस सून, बाय बाय।